कहीं जा भी नहीं सकते। पूरा दिन मैं भी कमरे में ही पड़ा रहा और इतना बोर हुआ आज, फोन चला चला कर भी भाई आंखें दर्द करने लग गई थी थोड़ी सी देर। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, तो और भाई ठीक भी होने चाहिए। और शाम के बज रहे हैं 5 और भाई अभी जाकर मैं व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि आज सुबह से बारिश लगी हुई थी और अभी भी लगी हुई है। फिर मेरे को व्लॉग बनाने का मन नहीं हुआ, पर अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश लगी हुई है तो मैं अभी जाकर व्लॉग बना रहा हूँ। और भाई अभी जा रहा हूँ मैं पानी लाने बॉडी पर, क्योंकि भाई गांव की तो लाइफ यही है, चाहे मौसम कैसा भी हो पानी लाने तो जाना ही पड़ेगा। और गांव के जो लोग होते हैं भाई वो बहुत कम पीते हैं नल वगैरह का पानी। ऐसी बात नहीं है, मतलब नल वगैरह में जो पानी आता है उन उस पानी से घर के बाकी के काम निपटा लेते हैं, जैसे उस पानी को किसी और काम में यूज़ कर लेते हैं जैसे खाना वगैरह बनाने में। पर जब पानी पीने की बारी आती है तो भाई सभी को ताज़ा पानी ही चाहिए होता है कुओं बावड़ियों का। तो अभी हम भी जा रहे हैं पानी लाने, अब जल्दी जल्दी चलते हैं। मैं समझा था कि कुछ ज़्यादा बारिश लग जाए, और मेरे साथ जा रहे हैं दो छोटे छोटे दोस्त और एक तो पीछे भाग ही गया जब उसको कैमरे में दिखा रहा था मैं तो, और एक दोस्त ये रहा हमारा। अब जल्दी जल्दी चलते हैं। और जो बॉडी का पानी होता है वो गर्मियों में ठंडा होता है पीने के लिए, और सर्दियों में इतना ठंडा नहीं होता, थोड़ा गर्म रहता है। ये पता नहीं क्या बात है पर ये ऐसा ही होता है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी। और भाई अभी हम पहुंच चुके हैं और कैमरे पर भी पानी पानी आ गया है, आप देख सकते हैं कि इतना पानी हो गया है कि भाई नालों वगैरह में भी बहुत ज़्यादा पानी आ गया। आप खुद देख लीजिए कि कितना पानी आ गया है भाई, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ठंड के मौसम में भी भाई ये हाल हो तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है आज। और ये रही हमारी बॉडी, यहाँ पर यहाँ से हम पानी लेकर जाते हैं और अंदर तो भाई बिल्कुल ही अंधेरा है। मुझे कुछ दिखाएंगे ना है, तो अब जल्दी जल्दी पानी भरते हैं। और भाई अभी हमने पानी वगैरह भर लिया है और अब हम घर जा रहे हैं। अब हम जल्दी जल्दी घर जाएंगे क्योंकि बारिश जो है स्टार्ट हो गई है, और आज मैं ये नहीं चाहता कि कल की तरह मेरे कपड़े फिर से भीग जाएं। बहुत ज़्यादा भीग तो जाएंगे भाई, पर ज़्यादा नहीं भीगने चाहिए। तो भाई ये घर चलते हैं जल्दी जल्दी। अभी हम थोड़ी देर में घर पहुंचने वाले हैं और रास्तों की कंडीशन कुछ इस तरह है कि भाई पैर इतनी गंदे तरीके से फिसल रहे हैं और गिरने के बहुत ज़्यादा चांस बन रहे हैं, और बड़े संभल कर चलना पड़ रहा है अभी मेरे को। तो अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद क्योंकि अब मैं घर पहुंच ही चुका हूँ। A few moments later। और भाई बस अभी मैं सड़क में आ गया हूँ क्योंकि
बारिश भी कुछ अलग ही ड्रामे खेल रही है आज। कभी बारिश लग रही है, कभी रुक रही है, तो अभी बारिश रुक गई है फिर से, तो इसलिए मैं सड़क के लिए आ गया हूँ घूमने के लिए, क्योंकि आज पूरा दिन मैं भी कमरे में ही पड़ा रहा और इतना बोर हुआ आज पूरा दिन, फ़ोन चला चला कर भी भाई आंखें दर्द करने लग गई थी थोड़ी सी देर, और सिर में भी दर्द हो रही थी, और ठंड भी भाई एक अलग ही लेवल की हो गई है फिर से बारिश होने के बाद, क्योंकि आपको पता होगा एक दो दिन से फिर से बारिश कंटिन्यू हो रही है और कहीं जा भी नहीं सकते, और ठंड से बुरा हाल है भाई। और ये खड़ी है हमारी बाइक, मेरे को बाइक वॉश करने के लिए ले जानी पड़नी थी, पर बारिश के चलते बाइक भी इतनी चकाचक लग रही है और एक अलग ही शाइन मार रही है बाइक भी। और अभी हमारा एक दोस्त हमारे पास आया है, इसको कुछ सेटिंग करवानी है अपने फ़ोन में, इसलिए हमारे पास आया है कि भाई सेटिंग कर दो हमारे फ़ोन की, इसको कुछ इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में, मेरे को पता नहीं है, बोल रहा था कुछ इंस्टॉल करने के लिए, तो बस अभी इसका काम वगैरह करेंगे और घर के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि भाई ठंड भी बहुत है और घर में काम भी होता है थोड़ा बहुत, तो मम्मी की हेल्प भी करनी होती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, शायद आज का ब्लॉग थोड़ा छोटा होगा, ज़्यादा लंबा नहीं कर पाऊँगा मैं, क्योंकि आज पूरा दिन बारिश के चलते मेरे को ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं हुआ, और भाई ब्लॉग बनाना भी क्या कंटेंट ही समझ नहीं आता भाई, हाँ अब किस चीज़ के ऊपर ब्लॉग बनाऊँ मैं आपके लिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, टाटा बाय बाय।